हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके 20 टेस्ट अवेलेबल हैं 2020 सभी के लिए, ग्रुप डी के लिए, वीडियो के लिए, एलपी, आरपीएफ, और ये 120 रुपये में है, ठीक है। इसमें ये आपके 150 रुपीज़ के टेस्ट है, बट इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है अगर आप इस कोड को भरते हैं सौरभ SPL। तो ध्यान से इस कोड को भर के आप 30 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक तो देखेंगे जरूर, और लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, दी गई अंक श्रृंखला की खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक समूह से पूरा करेगा। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना जो खाली स्थान है इसमें कौन सी सीरीज रखी जाएगी कि ये पूरा कंप्लीट एक सीरीज बन जाएगी, यानी कि इन चार ऑप्शन में से क्या रखा जाएगा, ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 है, यानी कि 3-3 के 5 पेयर बन जाएंगे, ठीक है, 3×5=15। तो यहाँ पे 3-3 के पेयर बना लेते हैं, यानी कि 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक ये बन जाएगा, 3 का फिर एक ये बन जाएगा, 3 का फिर ये बन जाएगा, फिर 3 का एक नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो एक बार इसको 200, यहाँ पे मैंने 2 0 रख दी 200, यहाँ पे 2 0 रख दी 200, बट यहाँ पे 2 रखूँगा तो क्या हो गया, 220 हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ सकता हूँ कि ये दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो 200 तो 100% है कि चल ही रहा होगा, फिर यहाँ पे 200 और 220, यानी कि 200 और 220 चल रहा होगा, ठीक है, फिर 200, फिर 220, फिर 200, ठीक है। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 200 चल रहा है, ठीक है, फिर 220 चलेगा, फिर 200 चलेगा, फिर 220 चलेगा, ठीक है, फिर आपका 200 चलेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होगी पूरी सीरीज। तो इसमें क्या चलेगा, 2 0, तो देख लीजिए 2 0 इसमें भी है, 2 0 इसमें भी है, इन दोनों को हटा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, 2 2 0, तो 2 2 0 इसमें है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सीरीज को करने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि इन सभी को काउंट करिए, पेयर कितने का बन सकता है उस पेयर को बनाइए, उसके बाद ही क्वेश्चन के ऑप्शन से रख करके देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए जल्दी से, और इसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे इसमें पूछा क्या जा रहा है, दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार है, उसी नियम के अनुसार छूटी हुई संख्या बताएं, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, और जो भी पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा वही यहाँ पे फॉलो होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं कि फॉलो हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, इसको और इसको 836 और 112 को प्लस कर दिया जाता है, तो प्लस करने के बाद में कितना मिलेगा, 948, यानी कि आपका 948 मिलेगा, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद में आपको 316 मिलेगा, ठीक है, आप करके देख लीजिए, ये आपका मिल गया। तो वैसे ही आपको ये करना है, 420 और 213 को प्लस करना है, तो 420 और 216 कितना हो जाएगा, 633, तो 633 आपका हो जाएगा। इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा निकल के, 211 आ जाएगा, ठीक है, तो 211 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 211। तो यहाँ पे आपका आएगा 211, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, और इसमें बताइएगा कि क्या आएगा, यहाँ पे जो दो क्वेश्चन मार के लगे हैं यहाँ पे क्या आएगा, एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई जरूर कर लीजिएगा, और जो भी राइट आंसर आपका आता है, गलत सही जो भी रहता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। तो इसमें चल क्या रहा है, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, और नेक्स्ट आपको बताना है। तो सीरीज जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि एक बार इंक्रीज होती है, ठीक है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो इसमें दो पैटर्न चल देंगे, तो दो पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो यही हो गया कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक छोड़ के चल रहा है ना, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो 25 आएगा। एक तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं कि
कि यहाँ पे आप इन चारों ऑप्शन में देखिए कि लास्ट में 25 किस में है, तो 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यानी कि सी, आपका आंसर आ चुका है। बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे चल रहा है प्लस वन, टू से थ्री, थ्री से फोर, और फोर से नेक्स्ट क्या आएगा फाइव, तो यहाँ पे फाइव और 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझे ना आप इस बात को, ये वन का स्क्वायर है, ये टू का है, ये थ्री का है, ये फोर का है, तो यहाँ पे फाइव का आ जाएगा, ये प्लस वन चल रहा है, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, ठीक है, तो फाइव और 25 आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका राइट आंसर कमेंट सॉरी कर दिया होगा। तो इसमें क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, क्योंकि एक बार तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, एक बार धीरे से इंक्रीज होता है, फिर बहुत तेज़ होता है, फिर कम होता है, तो इस टाइप की सीरीज में भी दो पैटर्न चलते हैं। यहाँ पे देखिए नाइन थ्री जा कितना होगा, 27 होगा भाई, नाइन थ्री जा 27 है, और नेक्स्ट आपका केवल कितने का, चार का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे थ्री की मल्टीप्लाई हुई है और यहाँ पे प्लस फोर हुआ है, फिर यहाँ पे थ्री की मल्टीप्लाई होगी, तो 31 में थ्री की सॉरी फाइव की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे थ्री फोर और नेक्स्ट फाइव आ गया, तो फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 हो जाएगा, और नेक्स्ट आप प्लस सिक्स कर देंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे सेवन की, तो कितना हो जाएगा 1127, 161 में सात की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1127 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप इस बात को। देखिए थ्री मल्टीप्लाई हुई फोर प्लस हुआ, फाइव की मल्टीप्लाई हुआ सिक्स प्लस हुआ, सेवन की फिर मल्टीप्लाई कर दी, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से सीरीज में चल रहा था, बट एक बार मल्टीप्लाई होती थी एक बार प्लस होता था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1127, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से भिन्न है, ओड वन आउट है, इसमें से बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो इसमें जो ये वाला बॉक्स है ना, ये जो चतुर्भुज है आपका, ठीक है, ये इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, और इसमें भी, बट ऑप्शन सी में त्रिभुज है, तो इसका मतलब यही आपका भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो आप ये बॉक्स देखेंगे, ये चतुर्भुज तो ज़रूर है, बट दिखने में थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि इसमें और इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होके इसमें आप मतलब डिफरेंस फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि यार ये भी तो हो सकता है या फिर ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको आंसर लगाना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर रह सकता है। तो बेसिकली इसमें चल क्या रहा है, देखिए आई जे एल लिखा है, एम एन पी लिखा है, नेक्स्ट आपको बताना है। तो इसमें प्लस फोर चल रहा है, आई में हमने प्लस फोर किया तो आपका क्या आ गया, एम आ गया, जे में प्लस फोर करेंगे एन, एल में प्लस फोर करेंगे एन। तो इसी तरीके से आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी सीरीज देखनी है जिसमें प्लस फोर चल रहा होगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो इसमें तो प्लस फोर नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो मुझे इसमें, हाँ देखिए, क्यू में प्लस फोर करेंगे तो यू बन जाएगा, आर में प्लस फोर करेंगे तो वी बन जाएगा, और टी में प्लस फोर करेंगे तो एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है भाई। तो ये कोई भी मतलब हार्ड नहीं था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये सेवन हो जाएगा, सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 521 लिखा है, सेवन नेक्स्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए फाइव का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आएगा 25, माइनस फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, फिर सेवन का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 49, और माइनस में सिक्स करूँगा तो कितना आ जाएगा 43। देखिए यहाँ पे फोर माइनस हुआ, नेक्स्ट आपका सिक्स माइनस हुआ, और यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया आपका, देखिए सिक्स माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप उनको ईजिली कर भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ट्राई करिए और राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा आपका, देखिए शोक जैसे आनंद का आपका विलोम हो जाएगा, तो सुख किसका विलोम हो जाएगा, दुख का, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दुख राइट आंसर हो जाएगा, सुख दुख शोक आनंद, ठीक है। तो ये इसका विलोम है, ये इसका विलोम हो जाएगा दुख का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दुख, तो दुख इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप के एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, और ये जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 15 वीडियो का क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लेके आया था,
इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बनाता हुआ जा रहा हूँ और इसकी पीडीएफ भी मैं डालता हुआ जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देखिए और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से है और इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाजर खाद्य और वनस्पतियों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। यहाँ पे एक वेन डायग्राम आपको ऐसा बताना है जो आपका गाजर खाद्य और वनस्पति के बीच में सही रिलेशन शो करता होगा। अब अगर मैं बात करूँ गाजर एक वनस्पति मतलब वनस्पतियों में आएगा और फिर वो एक खाद्य हो जाएगा, ठीक है, खाने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों का रिलेशन है, ठीक है। तो तीनों का रिलेशन शो करने वाले चारों डायग्राम है आपके, ठीक है। बट जैसे ये वाला है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इनका रीज़न ये है कि ये कुछ वाली कंडीशन को शो करते हैं, ये भी कुछ वाली कंडीशन को शो करता है। अब यहाँ पे ऐसा भी हमारे पास दो प्रोडक्ट नहीं है कि मैं बोल सकूँ कि गाजर और वनस्पति दोनों के दोनों अलग से, मतलब गाजर और वनस्पति ये बोला जा सकता है कि सभी गाजर वनस्पतियों में आ जाएंगे और सभी वनस्पति आपके खाद्य में आ जाएंगे, ये हो सकता है। बट ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए सभी गाजर आपकी वनस्पतियों में आ जाएगी और सभी वनस्पति आपकी खाद्य हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आई थिंक ये, और इसमें पूछा जा रहा है कथन निष्कर्षी क्वेश्चन है। कथन दिया गया है नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। जो नई शिक्षा नीतियाँ नीति हैं वो शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती हैं। तो इसमें पूर्ण अनुमान क्या क्या लगाए जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। तो शायद हो सकता है कि यही कंडीशन रही हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब 100% करके कोई चीज़ नहीं बोली जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये बोला जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे नई शिक्षा जो नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की ज़रूरत है। तो शायद परिवर्तनों की ज़रूरत है तभी ये बात बोली जा रही है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। तो आपके दोनों ऑप्शन ये राइट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और दोनों राइट ही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जो भी आपका कथन में बोला गया है उससे आपका निष्कर्ष जो निकलेगा वो दोनों रिलेट करने चाहिए, ठीक है। जो उसमें बोला जा रहा है उससे एक स्टेप आगे होना चाहिए जो चीज़ें इसमें बोली जा रही है, यानी कि उससे कंक्लूजन निकलने के बाद में आपका आंसर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे नीतियाँ बदलने की बात की जा रही है, ठीक है, व्यापक संशोधन करने की बात की जा रही है, तो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं कर रही होगी, या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की ज़रूरत है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, दोनों वन वे दो सेकेंड वाला कोई भी पूर्ण अनुमान अंतर्निहित, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित है दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे कथन निष्कर्ष का। और यहाँ पे बोला जा रहा है सभी छकड़े कारें हैं और सभी कारें गाड़ियाँ हैं। तो आप सबसे पहले तो ये वाली एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सभी के सभी छकड़े जो है कारें हैं और सभी के कारें गाड़ियां हैं। तो ये तो आप सिंपली बना लेते होंगे सभी के सभी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली बात मुझे नहीं लगती है, ठीक है। चलिए अगर आपने इससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियो जो अपलोड की है मैंने वो सारी देख रखी होंगी, तो ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आती क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे निष्कर्ष आप पढ़ेंगे उसके बाद जब देखेंगे उस वेन डायग्राम को वो आप पे ये मतलब प्रोसेस करना आना चाहिए। सभी छकड़े गाड़ियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी के सभी जो छगड़े हैं वो गाड़ियाँ हैं, तो क्योंकि ये सभी कारों के अंदर है और कार किसके अंदर है, गाड़ियों के, तो ये बिल्कुल कंडीशन राइट हो जाएगी आपकी। देखिए अगर गाड़ियों के अंदर आपकी कारें हैं और कारों के अंदर छगड़े हैं तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले वाला आपका राइट है। दूसरे वाला सभी गाड़ियाँ छगड़े हैं तो ये आपका नहीं हो सकता है, सभी गाड़ियाँ छगड़े नहीं हो सकती। ये वाली कंडीशन जब होगी जब ये गाड़ी का जो वेन डायग्राम है इसके ऊपर कोई छकड़े का वेन डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन वन ही आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन टू राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और उसमें पूछा जा रहा है निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को सही सही बना सकती है। तो ये आपको जो प्रश्न आकृति दी गई है इसमें आपको देखना है,
कि जितने भी ये पूरे दिया गया है, जितने भी इसमें ये सारी लाइनें दी गई हैं, इनको काउंट कर लीजिए। और इसमें फिर आपको ये देखना है कि इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसको कंप्लीट कर पाएगी, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात जो बोली जा रही है वो समझने की कोशिश करिए, ये जो आकृति बनी हुई है पर्सन आकृति में, इसमें से इन सभी का चारों में से कौन से पूरी की पूरी ये सब कुछ चीज़ें यूज करके ये वाली आकृति बनाई जा सकती है, वो आपको देखना है। पर इसको करने की एक ही ट्रिक है कि इन सभी को काउंट कर लीजिए, जो भी चीज़ें इसमें मिलकर के बनी हैं उन सभी को काउंट कर लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर मैं इसको 5 पूरा काउंट करूँगा, ठीक है, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर आपका ये अंदर वाला 7 हो गया, ठीक है, फिर आपका ये भी 8 हो गया, 6 हो गया। देखिए दोबारा से करते हैं, ये बीच में सारे काउंटिंग खराब हो गई। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, फिर एक गोला 9, ठीक है, और ये बीच वाला 10, मैं यानी कि जो प्लस लगा है बीच में ये 10 हो जाएगा। तो अब इसमें आपको 10 आइटम है, जो 10 ये आइटम है इनको मिला के बन सकता है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, भाई इससे बन रहा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनसे भी नहीं बनेगा, इनसे भी नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ ही गया होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, जितने भी क्वेश्चंस कराने की मैंने कोशिश की वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज आपको बताई थी वो सारे टेस्ट आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन सभी के, तो वहाँ से जाके उनको परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है उसमें एक नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं उसी वेबसाइट पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को बताते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।